कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र आप सभी बच्चों को देखिए 3 अप्रैल को परीक्षा है और इसी परीक्षा संबंधी देखिए कुछ स्पेशल एमसीक्यू जो कि चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखिए जो भी आपका एग्जाम से चैप्टर से देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट वो सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे और जो भी इंपॉर्टेंट देखिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जब भी तो आपको हमारे चैनल का मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि देखिए कौन सा चैप्टर आपसे बच्चों के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। यहाँ पर सवाल हमारे पास कि क्यूबा संकट आपने पढ़ा होगा किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, 1960 ईस्वी में, 1961, 1962, 1963। तो कब हुआ था क्यूबा संकट उत्पन्न, तो आपको मालूम होगा तो यह हुआ था 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अब अगला ही सवाल इस चैप्टर से पूछा जाएगा शीत युद्ध कब खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर जो रहता है वो कब खत्म हुआ था। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 1991 ईस्वी को और ऑप्शन नंबर कहां पर है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में इसका राइट आंसर है। फिर अगला है ब्रेजनेव। देखिए ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, VVI मार्क का सवाल है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और रूस, ठीक है, सॉरी सोवियत संघ को, पहले सोवियत संघ था, रूस वर्तमान में देखिए सोवियत संघ का ये भाग है, सोवियत संघ टूटा उसके बाद रूस का निर्माण हुआ, बेलारूस, आज अब यूक्रेन नाम से, सब से इसी के पार्ट थे बेसिकली। लेकिन ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो था सोवियत संघ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आपको गलत कथन खोजना है और गलत कथन खोजने का देखिए तरीका क्या है कि पूरा चारों स्टेटमेंट पढ़िए उसके बाद टिक करिएगा, गलती में आप लोग टिक मत करिए। जैसे क्या है, दो शक्तियों महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर, एकदम सही बात है, एकदम ये तो सही बात है, अमेरिका था, सोवियत संघ, जिनके मित्र दो सभी के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है कौन कितना पावरफुल, यही तो शीत युद्ध का कारण था ना। ये दोनों ऑप्शन देखिए हमारे पास सही है। फिर सशक्तिकरण की ओर, ये भी सही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित थे, क्या ये बात सही है, तो यहाँ पर ये बात सम्मिलित नहीं है, ये बाकी देश बस क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लड़वा रहे थे, लेकिन ये लोग बेसिकली खुद से पार्टिसिपेट नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सोवियत संघ का विखंडन, मैंने आपको बताया सोवियत संघ का विखंडन टूटा था, लेकिन क्या कारण नहीं है पूछा गया है, तो क्या क्या देखिए आप ऑप्शन दिए पहले पढ़ लीजिए। पहला है CIS का जन्म हुआ था, फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो वैचारिक युद्ध की समाप्ति हो गई थी इसके कारण सोवियत संघ टूटा, नहीं ये नहीं हो सकता, शीत युद्ध की समाप्ति ये भी नहीं हो सकता, मध्य पूर्व में संकट क्या ये इसका था, नहीं ये नहीं था इसका, सही जवाब पता क्या, ये CSI का जन्म, इससे कोई मतलब ही नहीं हम इस वर्ड से, तो ये इसका क्या था, इसका कोई विखंडन से कोई भी संपर्क नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध निम्नलिखित में क्या, देखिए जो पूर्व बनाम पश्चिम का दिया हुआ है ये है क्या बताना हमें, तो याद रखिए ये क्या बेसिकली शीत युद्ध को कहा जाता था, जो ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज से लड़ते थे उन्हें कहा जाता पूर्व बनाम पश्चिम, तो शीत युद्ध यही था हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए तनाव शैथिल्य का जो दौर था, मतलब वो कब स्टार्ट हुआ था बताना हमें, ये तनाव की स्थिति कब, तो कब हुआ था बेसिकली याद रखिएगा, तो ये हो तो 1970 के जो बात का दौर था, मतलब समय जो था उसे कहा जाता तनाव शैथिल्य, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हॉटलाइन समझौता, तो याद रखिएगा हॉटलाइन समझौता जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा कि क्या था, क्यों समझौता हुआ था, क्या क्या कारण थे। अब पहला बात है हॉटलाइन समझौता हुआ कब था, तो आपको 4 ऑप्शन दिए 1963, 1964, 1961, 1965, तो याद रखिए समझौता हुआ कब था पहले, तो ये हुआ तो 1963 ईस्वी का, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो याद रखिए पहले तो जितने वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली अमेरिका ने बनाया था, नाटो बनाया था, लेकिन जो सोवियत संघ उन्होंने क्या बनाया था, तो वारसा संधि की हुई थी उन्होंने सैनिक गुट अपना बनाने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी और नाटो पूछा जाएगा, तो आपको फुल में याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसका जो कह सकते सैनिक गुट किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। फिर अगला हमारे पास किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, कौन से गुट में सम्मेलन बताना था, यहाँ आपको 4 को ऑप्शन दिए हुए, देख पाए 1961 का जो बेलग्रेड सम्मेलन था, फिर 1964 के कैरो सम्मेलन में, 1973 के अल्जेरिया सम्मेलन में और 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में, तो ये जो देखिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वहाँ जहाँ पर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव था ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा अल्जेरिया सम्मेलन 1973, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा।
देखिए तनाव, जो तनाव शैथिल्यता, उसका जो दूसरा चरण श्रेय करने का किसको नाम दिया जाता है, मतलब श्रेय दिया जाता है, तो याद रखिए ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सेवांचो, उन्होंने क्या किया था, ये जो तनाव शैथिल्य दूसरा चरण श्रेय नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब। G77 आपको मालूम होगा, G77 पढ़ा होगा अपने, क्या है ये, क्या है बेसिकली हमारे पास, तो ये हमारे पास जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज और कह सकते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील और विकसित देश है, ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन आपको थोड़ा सा गलत चले गए, आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन कर लीजिएगा, देखिए सी नंबर होगा, एक विकसित और विकासशील देश होगा, एक होगा अविकसित, ठीक है, अविकसित तो होगा नहीं, ये दोनों ही सही है, विकसित और विकासशील, इसलिए यहाँ पर मान लीजिए चलिए ऑप्शन बोथ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। अगला हमारे पास, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी ने क्या की तीखी आरोप, देखिए पाकिस्तान क्या हुआ था, अमेरिकी जो सैनिक गुट था नाटो में शामिल हो गया था, उस पर नेहरू जी ने क्या तीखी आरोप किए थे, उसका नाम हमें बताना है, तो देखिए नाम था उसका सीटो उस टाइम था, अभी फिलहाल वर्तमान में चल रहा जो है नाटो है, ठीक है, उस टाइम क्या नाम था उसका, सीटो नाम था। अगला हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित था, यह हमें बताना है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन, तो याद रखिएगा ये कब था, तो ये था 1964, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। फिर है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी जो राष्ट्रकूट को छोड़ दिया था, यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया या फिर चीन, तो सबसे पहले देखिए समाजवादी राष्ट्रकूट को किसने छोड़ा था, तो याद रखिएगा ये छोड़ा था यूगोस्लाविया, क्लास टेंथ का बुक याद करिएगा, यूगोस्लाविया अपने आप आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए, किस देश ने नाटो में अमरीकी नेतृत्व का विरोध किया था, ये हमें बताना है, तो देखिए अमेरिकी जो नेतृत्व का जो नाटो था, ठीक है, उसका विरोध सबसे पहले किसने किया था, तो क्या था, फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है बताना है, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, क्या ये इसका कारण नहीं है, ये हमें बताना है। फिर अगला है हमारे पास क्या, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न था, युद्धकालीन निर्णय अतिक्रमण या फिर वर्षाई के संधि, वर्षाई का संबंध इससे कुछ मतलब ही नहीं है, तो शीत युद्ध के लिए सबसे उत्तर कारण नहीं है, वो क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने थे, ये हमें बताना है, तो याद है कि उस टाइम कौन बने थे, आइजनवर बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल हमारे पास, राष्ट्रपति रीगन ने, देखिए राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा था, सोवियत संघ को, चीन को, हॉलैंड को, इनमें से किसी को नहीं, तो इन्होंने किसको कहा था दुष्ट साम्राज्य, ये हमें बताना है, तो सोवियत संघ को इन्होंने कहा था दुष्ट साम्राज्य की तरह, वो क्या कहते हैं, बिहेव करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो ये राष्ट्रपति रीगन के द्वारा कहा गया था दुष्ट साम्राज्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो हमारे पास यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, कि गोवांचो ने ग्लासनोस्ट और प्रयोगका का विचार किया था, ये ऑप्शन नंबर ए है। फिर बी है तालिबानी व्यवस्था बांग्लादेश में 1996-2001 शब्द है, तो ये तो देखिए कभी हो सकता है, खुद सोचिए। फिर है नाटो एक सैन्य संगठन था, ये भी सही है, और दक्षिण अफ्रीका सभी देश लोकतांत्रिक, ये बात भी सही है, तो यही देखिए ऑप्शन कट जाता है, ये वाला ऑप्शन, तो यही गलत हो जाएगा, सॉरी ये आपका क्या सही ऑप्शन, यही सही है, बाकी सारा का सारा क्या आपका गलत है, तो 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सब के सब कथन क्या है गलत दिया हुआ है। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो दो सबसे बड़े थे जो नेशंस थे, एक था हमारा अमेरिका था, और क्या था, एक सोवियत संघ जो वर्तमान का रूस है, जो टूट के अभी खंडित हो गया, रूस बचा हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ, यही दो क्या थे, दो महाशक्तियां उभर कर आई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सोवियत संघ का विघटन, मतलब सोवियत संघ कब टूटा था, यह हमें बताना है, तो याद रखिएगा परीक्षा में डायरेक्ट सवाल से पूछा जाएगा, 25 दिसंबर 1991 को कौन सी घटना घटित हुई थी, तो याद रखिएगा सोवियत संघ का उस दिन विघटन हुआ था, सोवियत संघ टूटा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, 1957 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2005 या फिर 2006 में, तो देखिए जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि मई 1945 में जो राय स्टेट बिल्डिंग जो बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उस जगह का नाम क्या था, हमें बताना है, मतलब कौन से देश के सैनिकों ने वहां पर झंडा फहराया था, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा देखिए नीचे इनमें से कोई नहीं, तो देखिए जो मई 1945 में राय स्टेट बिल्डिंग पर झंडा किसने फहराया था, तो वो कौन से देश के सैनिक थे, तो सोवियत संघ के सैनिक थे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारा,
क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उनका नाम क्या था, ये पूछा जाएगा परीक्षा में। तो याद रखिए उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था निकिता खुश्चेव। यानी जब क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था तो उस टाइम सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो थे निकिता खुश्चेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है क्यूबा में देखिए सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक जब अमरीका को कितने हफ्तों बाद लगी थी, 3 दिन बाद, 13 दिन बाद, 23 हफ्तों बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने हफ्तों की बात लगी थी, तो 3 हफ्तों के बाद उन्हें पता चला था क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा कि वहां पर परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमरीका को लग गई थी। तो 6 का क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, मतलब सोवियत संघ टूटा उसका हमें से कोई मतलब नहीं है। तो पहला यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारात्मक लड़ाई का अंत हुआ इससे। फिर है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CSI का जन्म हुआ। फिर विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन बदला हुआ या फिर मध्य पूर्व में संकट हुआ। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं हमें बताना है, तो वो है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, ये बात सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे, भारत और चीन, अमेरिका और सोवियत संघ या फिर जर्मनी और जापान। तो देखिए ये डायरेक्ट सवाल याद रखिए, विश्व राजनीति दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये मानवाधिकार से संबंधित, ह्यूमन राइट्स से संबंधित रखता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, हमें यह बताना है। तो देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा की थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या फिर नियंत्रण होना था, जनता की आर्थिक आजादी थी या फिर अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य, हमें यह बताना है। तो ये देखिए जनता को हर प्रकार की यहाँ पर आजादी दी गई थी, ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बर्लिन की दीवार का निर्माण क्लास 9 का याद होगा किसका प्रतीक था, यह बताया जाता है। तो याद होगा आपको कि ये शीतकाल जो शीत युद्ध चल रहा था उसको चरमोत्कर्ष का ये क्या प्रतीक बताया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास जो हमारा समाजवादी क्रांति ये कब हुई थी, आपको ऑप्शन नंबर ए दिए हुए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद हुआ था या फिर प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो कब हुआ था, देखिए याद रखिएगा समाजवादी क्रांति कब हुई थी, तो हुई थी समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व भी हो चुकी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है देखिए व्लादिमीर लेनिन का जन्म सिद्धमन किससे, आपको क्लास 9 याद होगा तो किससे संबंध रखते हैं, तो सोवियत संघ से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था, यानी देखिए जो सोवियत संघ था अफगानिस्तान कब हस्तक्षेप, 1917, 1924, 1930, 1979। तो कब है, तो 1969 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, मतलब किससे क्या असर देखा गया, हम बताना है। तो दूसरी दुनिया का अंत, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ या फिर देखिए जब सोवियत संघ टूटा तो बेसिकली क्या हुआ कि लोगों, सीधा बात हमें बताना है कि जब सोवियत संघ टूटा तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो यह हुआ कि दूसरी दुनिया का क्या हो गया, ये अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंध टूटने संबंध नहीं रखता, गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष था वहां पर, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन या लोगों के विशेष अधिकार वहां पर बढ़ना। तो क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो ये हुआ था लोगों को विशेष अधिकार बढ़ना हो गया था जब सोवियत संघ के विघटन संबंध नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारा कि 1995 में देखिए जो वार्सा संधि हुई थी उनमें से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड, फिर पश्चिमी जर्मनी या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी जर्मनी। तो देखिए जो 1955 में वार्सा संधि हुई थी इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, तो वो था याद रखिएगा पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति वो कौन बने थे, VVI मार्क कर लीजिए, सवाल को पूछा जाएगा परीक्षा में। तो याद रखिएगा उसका सही उत्तर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए, ब्रेजनेव, येल्सिन, स्टालिन या फिर गोर्बाचोव। तो कौन होते बने थे, तो बने थे येल्सिन, येल्सिन बने थे कौन, सोवियत संघ जब टूटा था तो रूस के जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास स्टालिन संविधान
कब लागू हुआ था यह बताना है। तो स्टालिन संविधान जो था 1936, 1924, 1970 या फिर 1999 में, तो ये कब लागू हुआ था याद रखिएगा, तो ये लागू हुआ था 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई, रूसी संघ में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो किस देश के प्रभुत्व से क्या हुआ एक ध्रुवीयता कायम होती है, तो याद रखिएगा ये सवाल इसके से तो अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका के प्रभुत्व से क्या हुई एक ध्रुवीयता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको देखिए करवा दिए गए हैं, जो चैप्टर्स आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा भी देखिए कुछ और वीडियो आएंगे जहाँ पर सारा का सारा वीडियो, जब सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।